कि अ सोलो गर्ल इंजॉयिंग एंड एक्सप्लोरिंग लोकल आइलैंड ऑफ मालदीव्स ऑल अलोन. या वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ मालदीव सीरीज. लास्ट वीडियो में आपने देखा दैट आई जस्ट लैंडेड एट द माले एयरपोर्ट ऑफ मालदीव एंड देन एयरपोर्ट पे एक ऑकवर्ड सा इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद ऐसा आई एम ट्रैवलिंग सोलो. तो मैंने आपको बताया था कि मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा रहा मालदीव में. सोलो ट्रैवल करने पे आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मैं आती हूँ एयरपोर्ट के बाहर. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. अब यहाँ एयरपोर्ट से इट्स टाइम टू हेड टू माई एकोमोडेशन जो कि है एक लोकल आइलैंड पे विच इज़ नोन एज तिफ्यूशी आइलैंड. एंड मैं वहाँ पर जा सकती हूँ बाय सी ओनली. क्या क्या ऑप्शंस है चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद अगर आपको यहाँ से किसी आइलैंड पे ट्रांसफ़र होना है चाहे वो प्राइवेट हो या लोकल हो तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं. आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं. बस निकलने वाली हूँ यहाँ से अपनी एकोमोडेशन की तरफ, फ्यूशी आइलैंड की तरफ बेसिकली, जहाँ पे मेरी एकोमोडेशन आज की बुक है. ओके सो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ का देना चाहूँगी कि क्या सीन है जहाँ पे आप एकोमोडेशन अपनी बुक करी होगी किसी डिफरेंट आइलैंड पे एंड सी के थ्रू आप ट्रैवल करोगे. सो तीन ऑप्शन होंगे. एक या तो आप लोकल फेरी कर सकते हैं या स्पीड बोट कर सकते हैं या फिर थर्ड इज सी प्लेन. सी प्लेन तो एक बहुत ही द टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन है बट यूजली पीपल डू लोकल फेरी. सो लोकल फेरी जो जनरली पर हेड कॉस्ट करती है वो है $35. डिपेंड करता है कि क्या डिस्टेंस है आपके आइलैंड का. जैसे तिफ्यूशी इज़ वन ऑफ द लोकल आइलैंड एंड माले एयरपोर्ट से उसका डिस्टेंस कुछ 40 मिनट्स का है तो उसकी जनरली कॉस्ट होगी $35 पर हेड इन लोकल फेरी. बट अब मैं यहाँ से जा रही हूँ स्पीड बोट से. स्पीड बोट इज़ काइंड ऑफ अ प्राइवेट बोट एंड उसकी कॉस्ट जाती है गाइस समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000. यस यू हर्ड इट राइट, इट इज़ डैट एक्सपेंसिव. बट हेयर आई एम ट्रैवलिंग विद गोल्ड ट्रैवल्स एंड इनके थ्रू मैंने एक पैकेज लिया है मालदीव्स का जिसमें मेरे इंटरनल ट्रांसफ़र, फूड एंड एकोमोडेशन ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड है. एंड इसमें मेरा ये माले एयरपोर्ट से तिफ्यूशी आइलैंड का ट्रांसफ़र भी आता है. सो मैं यहाँ पर मुझे लाइक चांस मिल रहा है स्पीड बोट में जाने का. सो स्पीड बोट इज़ लाइक अ प्राइवेट बोट. अगेन मैंने बता दिया कि आपको क्या इसका रेट होता है. अगर आप पूरी स्पीड बोट लेके जाओगे दिस इज़ अ प्राइवेट एंड ये आपको कॉस्ट करेगी बहुत ही ज़्यादा 25,000 to 30,000. सो अगर आपका बजट थोड़ा लाइक लेस है तो प्लीज़ गो इन लोकल फेरी. लोकल फेरी आपको बहुत ही सही रेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड ये एक प्राइवेट ऑप्शन है. अब चलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी दे दी. मेरी ये जर्नी आप देखिए कैसी रहती है प्राइवेट बोट में जाने की, स्पीड बोट में टिल माई एकोमोडेशन. जहाँ मैं जा रही हूँ उस प्रॉपर्टी का नाम है बीच हाउस. आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ से बैठा दिखाई दे रहा है. या सो आई वाज सेइंग दिस इज़ माय प्राइवेट स्ट्रीट पॉइंट एंड जिस प्रॉपर्टी में मैं जा रही हूँ उसका नाम है बीच हाउस. तो बीच हाउस यहाँ से मतलब वहाँ तक जाने के लिए ड्यूरेशन देयर से इट विल टेक समवेयर अराउंड 35 to 40 मिनट्स. एंड माय गॉड लाइक व्हाट अ व्यू, बहुत सुंदर व्यू है. ये जो स्ट्रीट पॉइंट है बाय द वे बहुत फास्ट चलती है एंड ये लोकल फेरी सब है 10 times lower आई वुड से. अगर इसका जो प्राइस है कुछ 25 to 30,000 है सेम जर्नी का तो इसका होगा कुछ $30 to $50. जाते हुए मुझे बहुत सारे डॉल्फिन्स भी दिखी एंड डॉल्फिन्स देखना किसको पसंद नहीं है. आपका अंदर का पूरा बचपना बाहर आ जाता है डॉल्फिन्स देखकर. मतलब मुझे तो देखना बहुत पसंद है.
So dolphins dikhi and look at the view, like blue waters and it's dolphins. Amazing experience it was. After traveling for 45 minutes, finally मैं पहुँचती हूँ the Fuji Island में and look at the view. I mean यहाँ की खूबसूरती आपको amaze कर देगी हर एक point पे. And यहाँ जहाँ मेरी accommodation book थी beach house, तो ये फिर pickup करने आए हमें यहाँ पर. And by the way, I'm traveling with Gold Travels, as I mentioned कि उसमें accommodation, food and internal transfer सब included रहेगा. तो आपको information इनकी screen पे आ रही है. They have their headquarters in Kochi also. And recently opened their office in Bangalore. माले में भी इनका ऑफिस है. So from customized or any kind of package like budget or luxury, they'll provide you even for water villas. So do get in touch with them. Yeah. Guys, I have just checked in into the hotel. Finally, शाम के 6 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया. एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर द रूम टूर नाउ. प्रॉपर्टी का नाम आपको पता लग गया है, आई एम स्टेइंग एट बीच हाउस. ये जो है ये द फ्यूजी आइलैंड है. दिस इज़ वन ऑफ द लोकल आइलैंड ऑफ मालदीव्स एंड ये भी काफ़ी फेमस है. माफूशी, द फ्यूशी, माले एंड हुलु माले, ये आइलैंड्स लाइक आर प्रीटी पॉपुलर. पर डे की कोस्ट यहाँ पर क्या रहती है, बट उससे पहले मैं आपको पहले टूर देती हूँ, फिर बात करते हैं. सो यू एंटर फ्रॉम हियर एंड ये है मेरा बेड. इधर है वॉशरूम. अभी मैंने वॉशरूम से देखा नहीं. सो वॉशरूम इज लाइक दिस. यस, प्रिटी मच क्लीन है. और यहाँ से विल गो देयर इन द बालकनी एंड वी हैव दिस गॉर्जियस व्यू ऑफ बीच. दिस इज द फ्यूजी बीच ओनली एंड बहुत ही सुंदर गॉर्जियस व्यू है. इधर देखो यार, ये है असली चीज़. तो पीछे क्लाउड्स की फॉर्मेशन, इधर जो आप देख रहे हो सनसेट हो रहा है. अमेजिंग व्यू, अमेजिंग. अब कल मॉर्निंग में मैं यहाँ पे जाऊँगी बीच पर एंड वील हैव सम गुड पिक्चर्स ओवर देयर. और या सो दिस इज माय रूम ऑफ द डे. एंड इधर नॉर्मल वही कैटल वगैरह है, कॉफ़ी, टी वगैरह, ये सब कुछ है. लॉक है इधर. ये आई थिंक मिनी फ्रिज है, इसमें कुछ नहीं होगा. हाँ, ये मिनी फ्रिज है. दिस इज लॉकर. So pretty decent room. Hi guys, good morning from the next day in Maldives. So yeah, so yesterday when I was giving you the tour of this room जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो मैं बहुत tired थी and मेरे से उसके बाद कैमरा भी नहीं उठ रहा था. तो मैंने just बंद करा कैमरा and I went for a sleep. तो मैं सो गई थी and but मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करेगी, जैसे कि जो मेरा रूम है इसके क्या चार्जेस है. जहाँ पे मैं रुकी हूँ यहाँ की पर डे की कॉस्ट है 12,000 पर डे का. अब यहाँ पर देखो, अगर मील्स जैसे, अब मैं तो रिकमेंड करूँगी कि डेफिनेटली आप इंक्लूड कराए. उसका रीज़न ये है, पहली चीज़ की इफ़ यू आर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस को मॉल्डीव्स में प्रॉब्लम है. एज इन आप कैफेज आपको यहाँ मिलेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हुलु माले और माले, वहाँ तो अनलिमिटेड ऑप्शन है कैफेज के. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ आइलैंड, प्राइवेट और लोकल. सो प्राइवेट आइलैंड में तो कैफेज आई डोंट थिंक सो कोई होंगे, बट लोकल आइलैंड में कैफेज होते हैं. लाइक मेरी प्रॉपर्टी के सामने यहाँ पे कैफेज है, बट वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको 99% नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेंगे. 99% हार्डली यू कैन लाइक गो देयर एंड ईट सम काइंड ऑफ सैलेड, दैट्स इट. और यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए
कैफेज में ऑप्शन नहीं है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल आइलैंड्स, नॉट हुलुमाले और माले सिटी, बिकॉज दैट्स अ कैपिटल, वहाँ पे तो अनलिमिटेड ऑप्शंस है. सो आई रिकमेंड यू टू डेफिनेटली इंक्लूड ऑल थ्री मील्स इन योर पैकेज. अगर आप लाइक नॉन वेजिटेरियन भी हो तब भी आपको यहाँ पे बफे का ऑप्शन मिलता है, तो वो बेसिकली आपको ज्यादा एक अच्छी डील ही पड़ेगी. 10,000 विदाउट मील्स, 12,000 विद मील्स, यू कैन लाइक अंडरस्टैंड की 12,000 इज अ बेटर ऑप्शन, राइट. आज के क्या प्लान है यू विल सी इन द वीडियो. क्या करूँगी मैं यहाँ पर आज, कैसा मेरा दिन रहेगा, एंड अकेले सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो आप सोलो यहाँ पर आकर भी इंजॉय कर सकते हो, यू विल सी दैट इन द वीडियो. सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट मैं निकलती हूँ यहाँ पर लोकल आइलैंड के टूर पे, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑल्सो टू यू नो लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग सम लोकल आइलैंड दैट टू इन मालदीव्स. सो चलो ब्रेकफास्ट के बाद घूम के आते हैं एंड सैर कराती हूँ मैं यहाँ पे आपको द फ्यूजी आइलैंड की इन मालदीव्स. द प्रॉपर्टी जिसके जहाँ पे मैं रुक रही हूँ, एंड ये यहाँ से बाहर से कुछ ऐसा दिखता है. सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड मैंने शुरू कर दिया है टूर इस आइलैंड का. बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं ना बहुत छोटे छोटे हैं, लाइक समवेयर अराउंड 4 किलोमीटर. ये वाला जहाँ पे मैं रुकी हूँ दिफ्यूशी वाला, ये कुछ 2 किलोमीटर का आइलैंड है एंड बहुत छोटा है, तो आप बाय वॉक ही एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड आपके साथ ही मैं भी एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, वॉक ही करेंगे हम. और ये देखिए मेरे पीछे ये इधर है छोटा सा बार, तो ऐसे छोटे छोटे बार एंड कैफेज यहाँ पर है, ऐसी बात नहीं है. बट खाने का जिस मैं आपको बता रही थी कि प्रॉब्लम है फॉर वेजिटेरियंस, मतलब बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल है अगर है भी तो, एंड ऐसे साइकिल के साथ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सो लाइकिंग इट, समथिंग न्यू फॉर मी. एंड गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है यहाँ पर. जितनी मर्जी लाइक आप सनस्क्रीन लगा लो, यहाँ पर आपको टैनिंग से नहीं बच पाओगे. मेरे को नहीं लगता टैनिंग से बच पाएंगे हम यहाँ पर. पूरी सनस्क्रीन लगाई है मैंने, बट फिर भी आई डोंट थिंक सो कि टैनिंग ना हो ऐसा होगा. सो वैसे तो पूरे साल में यहाँ का टेम्परेचर इतना ही रहता है, 35 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा. गर्मी यहाँ पर मतलब पूरे साल में ही है. और बट बहुत ही एक्सोटिक लोकेशन आई वुड से, आई लव इट. मतलब सो यहाँ पे दिस इज सैंड क्वील रेस्टोरेंट. बच्चे देखो वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं. सो ये लोकल लोगों के घर भी है यहाँ पर, एंड इवन टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, विलाज, जैसे ये सामने विला है, विला एंड होटल्स सब कुछ है. तो बेसिकली ये जो लोकल आइलैंड वाला साइट है मालदीव्स का, ये इज लाइक मोर इकोनॉमिकल. तो जिसको मालदीव्स का ट्रिप बजट में प्लान करना है ना, लोकल आइलैंड पे आप रह सकते हो, आपको यहाँ पर सस्ते सस्ता ऑप्शन मिलेगा. एंड यहाँ के सस्ते का मतलब है 10,000-8,000 पर डे. तो मालदीव्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल. अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग रेट कंपेयर करोगे तो नहीं, तब बात नहीं बनेगी. तो समवेयर अराउंड 8-10,000 अगर आपको पर डे का मालदीव्स में स्टे मिल रहा है, तो दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड बजट वाला ऑप्शन. तो आप लोकल आइलैंड पर रह सकते हो एंड इस तरह यू कैन प्लान योर ट्रिप. बाकी यहाँ पर मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ. काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर लोकल्स पे देखने को मिलते हैं. बाकी यहाँ के लोकल्स आर वेरी क्वाइट, वेरी हम्बल बाय द वे, तो एंड हेल्पफुल ऑल्सो. सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट, और वेलकमिंग भी है. मालदीव्स बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, जिनको नहीं पता लाइक मालदीव्स इज़ एन इस्लामिक कंट्री, तो यहाँ पर इतना लाइक वैसा आपको फील नहीं आएगा. इट्स लाइक वेरी ओपन, वेरी फ्रेंडली, तो दिस इज़ वेरी नाइस. आई मीन सुवेनियर्स की शॉप यहाँ पर काफ़ी है. वैसे कैश तो मैं नहीं लाई जो भी शॉपिंग करूँ, बट यहाँ की करेंसी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट वीडियो में लाइक आई टोल्ड, जब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही थी, यहाँ पर मालदीवियन रुपया इज़ द लोकल करेंसी ऑफ मालदीव्स, तो वो एक्सेप्टेड है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर USD डॉलर्स इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यहाँ पर USD डॉलर्स कैरी कर रहे हो, तो बिल्कुल भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. छोटे से छोटे शॉप भी इनफैक्ट वो एक्सेप्ट करती है. तो ये रिकमेंडेड है कि अगर आपको मालदीवियन रुपया नहीं लेना, USD कैरी कर लो. मुझे सामने एक सुंदर सा नज़ारा दिखा है, उसको कैप्चर करने जा रही हूँ. बहुत सुंदर लग रहा है, बट मैं पूरे यहाँ पे रेत में आ गई हूँ. थोड़ा यहाँ से निकलते हैं.
कोयल की आवाज़ सुनो, यही आवाज़ सुबह वैसे मैं उठी हूँ। उड़ गया उड़ के वहाँ पेड़ पे जाके बैठ गया। वेलकम टू द लोकल आइलैंड ऑफ द फ्यूशी, प्लीज़ वेयर प्रॉपर ड्रेसेस। अच्छा हाँ, लोकल आइलैंड पे रहने के लिए क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने पड़ सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। मतलब यहाँ पर बिकनी के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, तो दिस काइंड ऑफ ड्रेस जैसे मैंने पहनी हुई है, दिस इज़ फाइन। ओके, रिस्पेक्ट करनी है ऑफ़ कोर्स। प्लीज़ हेल्प अस प्रिजर्व इस्लामिक कल्चर एंड वैल्यूज़। प्लीज़ डू नॉट एंगेज इन एनी इनडिसेंट बिहेवियर इन एनी पब्लिक एरिया। ओके, इफ़ यू आर ऑन दिस आइलैंड यू आर वन ऑफ अस। मतलब ऑफ कोर्स इफ यू आर कमिंग एट सम लोकल प्लेस, बिहेव लाइक लोकल एंड डोंट मिसबिहेव विद एनीवन, लाइक नॉट इवन टूरिस्ट, नॉट इवन विद एनी लोकल। तो ये चीज़ें विच इज़ रियली लाइक बेसिक हमें ऑलरेडी पता होती है, बट जस्ट दिस इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कि हाउ टू यू नो बिहेव लाइक अ गुड टूरिस्ट। सो दिस इज़ आई लव द फ्यूशी पॉइंट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कपल्स के लिए देखो दो यहाँ पर पॉइंट है, यू कैन सिट एंड हैव योर गुड पिक्चर। नाउ यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज का बताती हूँ कि मालदीव्स की जो लोकल लैंग्वेज है वो तो है दिवेही, तो यहाँ के लोकलाइट को दिवेही मतलब में ही आप बात करते सुनोगे। बट गोइंग टू एनी लाइक एनी रेस्टोरेंट, एनी कैफे, इवन एट योर प्रॉपर्टी जहाँ भी आप स्टे करोगे, दे कैन ईजिली कॉम्युनिकेट इन इंग्लिश, नॉट हिंदी आई वुड से, इंग्लिश में तो बात ईजिली कर लेंगे। मतलब शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको इंग्लिश ना आती हो, मतलब जिनसे मैं मिली हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है बात करनी, एंड हिंदी में भी इवन सम पीपल कैन कम्युनिकेट बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो इंग्लिश आई वुड से कि इज़ ईजली एंड वाइडली स्पोकन इन मालदीव्स, बाकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज दिवेही। यहाँ थोड़ी सी मैं छाँव में आई हूँ फाइनली, बहुत गर्मी है। एंड यहाँ से अभी मुझे वॉक करते करते वैसे 10 मिनट हो गए हैं, तो लोकल लोगों के घर देख रही हूँ और कैसे रहते हैं वो, उनकी डे टू डे एक्टिविटी कैसे होती है। बहुत ही पीसफुल एट द सेम टाइम, मतलब चाहे अगर आप किसी लोकल आइलैंड पे भी जा रहे हो ना, तो प्राइवेट आइलैंड तो मतलब वी कैन इमेजिन कि वहाँ पर सिर्फ आप ही हो, प्राइवेट दैट्स अ प्राइवेट आइलैंड, वो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर बहुत शांति होएगी। बट लोकल आइलैंड भी एट द सेम टाइम आई फाइंड वेरी पीसफुल। एंड यहाँ देखिए सामने ग्रोसरी की शॉप है, तो यहाँ से अगर कुछ आपको चिप्स, नमकीन, कुरकुरे ऐसा भी कुछ खाना का थिंक मिल जाएगा इसलिए। या हाय, सो एक तो मैं अलग से कैमरा लेके ऐसे ब्लॉग कर रही होती हूँ ना, सब ऐसे देख रहे होते हैं तो कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड होता है। ओह, दिस इज़ बैंक ऑफ मालदीव्स, मतलब दिस इज ATM। यहाँ से आप कैश भी आई थिंक लगा सकते हो, आई एम नॉट श्योर, बाकी ये चीज़ों को मैं ऑलरेडी सॉर्टेड करके ही चलती हूँ कि इनफ कैश हो आपके पास, कि यू नेवर नो आप किसी डिफरेंट जगह जा रहे हो, स्पेशली एक डिफरेंट कंट्री जा रहे हो। बाकी मैंने सिम की बात नहीं करी यहाँ पर आकर, तो सिम मैं सच कहूँ तो मैंने कुछ परचेस नहीं करा, रीज़न बीइंग कि मेरा एक तो 4 डेज का ट्रिप है मालदीव्स का, तो 4 दिन के लिए वैसे यूजली टूरिस्ट कोई आएगा तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप सिम अगर लेना चाहते हो यहाँ का लोकल सिम लो, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को नीड फील नहीं हुई। एक तो जिस भी प्रॉपर्टी पे हम जा रहे हैं वहाँ पे वाईफाई है, मतलब जिस प्रॉपर्टी पे मेरा स्टे है वहाँ पे आई हैव वाईफाई, तो वाईफाई है तो मेरे को वहाँ पर तो इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब मैं घूम रही हूँ तो मेरे पास अब वाईफाई नहीं है, अब कोई नेटवर्क नहीं है कि मैं किसी को कॉल कर पाऊँ, तो बस ये तो चलो पास में है तब भी कोई मतलब मेरे को टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है, तो मतलब मुझे नीड फील नहीं हुई। एंड बाकी अगर आप यहाँ पर लोकल सिम लोगे तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2 to 3,000 इसलिए, तो बट आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि ले लेना इफ़ यू आर 2 पीपल, एक जना तो एटलीस्ट परचेज कर लो। ओके, सो अभी मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही खुले से एरिया में जहाँ पर बहुत सारी स्पीड बोट्स खड़ी है, यहाँ से वाटर पीला बहुत पास दिख रहा है। अच्छा एक्चुअली हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे कल शाम को हम आए थे, सो वहाँ पे बोट ने हमें ड्रॉप किया था, यहाँ से मैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ गई थी, सो मैं घूम कर उसी पॉइंट पे आ गई।
आई टोल्ड यू ना गाइस, दिस इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड, 2 किलोमीटर हार्डली। तो घूम कर एक ही चक्कर में मेरा ये आइलैंड का पूरा सर्कल हो गया। अब जस्ट यहाँ पे मैं सामने जाऊँगी तो मेरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इट इज़ दैट स्मॉल। तो आई थिंक मालदीव्स कंसिस्ट ऑफ समवेयर अराउंड 1200 आइलैंड, मोर देन 1200। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कितने आइलैंड्स हैं। बाकी आई थिंक मैं जब मालदीव्स का नेक्स्ट ट्रिप करूँगी ना, आई विल स्टे एट सम वाटर विला। मेरा मन है डेफिनेटली, तो आई विल स्टे डेफिनेटली एट सम वाटर विला। बाकी अ सोलो गर्ल इंजॉइंग एंड एक्सप्लोरिंग लोकल आइलैंड ऑफ मालदीव्स ऑल अलोन। या बट इतनी गर्मी में भी अभी थोड़ा चलती हूँ बैक टू प्रॉपर्टी, पहुँच गए हम। नाउ आफ्टर दैट आई हैड लंच हेयर एंड द सेम डे मेरा यहाँ से चेकआउट था, बिकॉज आई एम गोइंग टू थुलुसुदो नाउ। थुलुसुदो इज ऑल्सो वन ऑफ अ लोकल आइलैंड इन मालदीव्स, एंड वहाँ पर मैं क्या करूँगी यू विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन आई होप यू लाइक दिस वन, प्लीज़ कमेंट करके जाना आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।